सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, सुबह होने पर फिरौन और उसकी कौम की हलाकत की तरफ रवानगी। फिरौन ने शहरों में जमा करने वाले भेजे, ये लोग एक थोड़ी जमात हैं और बेशक हम सब का दिल जलाते हैं और बेशक हम सब चौकन्ने हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तो हमने उन्हें बाहर निकाला बागों और चश्मों और खजानों और उम्दा मकानों से। हमने ऐसा ही किया और उनका वारिस कर दिया बनी इसराइल को। फिरौन ने इनका ताकुब किया दिन निकले। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का तो मूसा अलैहिस्सलाम वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूं नहीं, बेशक मेरा रब ताला मेरे साथ है, वो मुझे अभी राह देता है। फिरौन ने जब देखा कि बनी इसराइल मौजूद नहीं है बहुत गुस्से में आ गया। उसने हर तरफ अपने कारिंदे दौड़ाकर अपनी फौजों लश्करों और अपने तमाम हामियों को जमा कर लिया और कहने लगा कि बनी इसराइल हमारे मुकाबले में एक छोटी सी जमात है, वो हमेशा गैज़ो गज़ब को भड़काते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसको बर्बाद करने के लिए उनके दिलों में ये बात साबित कर दी, सब लोग बनी इसराइल का पीछा करके उनका मुकम्मल सफाया कर दो। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामिला से उन तमाम फिरौनियों को बर्बाद करके अपना वादा पूरा फरमा दिया। फिरौन को मानने वाले तमाम उसके कहने पर अपनी नियामतों, अपने आला किस्म के मकानात और फलदार दरख्तों के बागात और अपने सामने आयुष ऐशो इशरत के सामान को छोड़कर बज़ाहिर बनी इसराइल को तबाह करने के लिए चले, जो दर हकीकत अपनी ही बर्बादी की तरफ चल रहे थे। फिरौन के कहने पर सब लोग जमा होकर बनी इसराइल के ताकुब में चल पड़े। दरियाए कुलज़म के किनारे पर उनके सामने पहुंच गए। बनी इसराइल ने जब देखा तो कहने लगे अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। उनके दिलों में पहले ही फिरौन का रौब छाया हुआ था। वो तादाद में भी फिरौनियों से बहुत कम थे। इसी किस्म का उनके पास कोई असलाह भी नहीं था, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा खौफ तारी हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब ताला मेरे साथ है, वो अभी मेरी रहनुमाई फरमाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में असा मारने का हुक्म। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मारो। जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम और उसके सब साथ वालों को। फिर दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और उनमें से अक्सर मुसलमान न थे, और बेशक तुम्हारा रब ताला वही इज्जत वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया आप अपना असा दरिया पर मारो। आपने जब अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया फट गया, उसने रास्ता छोड़ दिया। दरमियान में खुश्क रास्ता और इधर उधर पानी की बुलंदी इतनी अजीम थी कि जैसे बड़े पहाड़ हों। बनी इसराइल चूंकि 12 कबाइल में थे, एक ही रास्ते में एक दूसरे के साथ चलना मुनासिब नहीं समझते थे, इसलिए हर कबीले के लिए अलग रास्ता बनाया गया। यानी दरिया में 12 रास्ते बनाए गए। हर रास्ते के दाएं बाएं पानी की बुलंदी अजीम पहाड़ों जैसी थी। वो कहने लगे हमें क्या मालूम है कि हमारे दूसरे भाई जिंदा हैं या पानी की तुगयानी में गर्क हो चुके। तो दरमियान के रोशनदानों की तरफ पानी को हटा दिया गया। वे एक दूसरे को देखते हुए दरिया उबूर कर गए। फिरौन और उसके लश्कर ने भी दरिया में रास्ता देखकर अपने घोड़े दौड़ाए, लेकिन वो बनी इसराइल को ना पा सके। हजरत साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फिरौनियों और बनी इसराइल के दरमियान जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। बनी इसराइल के पीछे लोगों के दिलों में ये बात डाल रहे थे जल्दी चलो अगले लोगों से मिल जाओ, और फिरौनियों के दिलों में ये बात डाल रहे थे आहिस्ता चलो पिछले लोगों को साथ मिलने दो। बनी इसराइल जब दरिया उबूर कर चुके और फिरौनी अभी दरमियान ही में पहुंचे थे तो पानी आपस में मिल गया। इस तरह फिरौन और उसकी कौम के तमाम लोग एक रिवायत के मुताबिक ये 6 लाख की तादाद में थे गर्क हो गए और बनी
इसराइल ये तमाम माजरा अपनी आंखों से देख रहे थे। फिरौन का गर्क होने पर ईमान लाना और कबूल ना होना, और हम बनी इसराइल को दरिया में पार ले गए। फिरौन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया, बोला मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान हूँ या अब और पहले से नाफरमान रहा, और तू फसादी था। आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे, उन मौजों से बाहर फेंक देंगे और बाकी रखेंगे कि तू अपने पिछलों के लिए निशानी हो, और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। सुभान अल्लाह, मालिकुल मुल्क की कितनी अजीम कुदरत है। वो शख्स जो कभी मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं का दावा करता था, आज उसकी गिरफ्त में आता है। दरिया की तुगयानी में शदीद मौजों के थपेड़े में आते ही एक मर्तबा नहीं बल्कि तीन मर्तबा ईमान लाता है। एक मर्तबा कहता है आमंतु, मैं ईमान लाया। दूसरी बार बोला कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। तीसरी बार कहता है और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये उसका ईमान कबूल न हुआ क्योंकि रब ताला के अजाब को देखकर फरिश्तों का सामना करते हुए ईमान लाना नफा बख्श नहीं हो सकता। उनके ईमान ने उन्हें काम न दिया जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया। रब ताला ने फरमाया अब तू ईमान लाता है, पहले नाफरमानियां करता रहा, फसाद फैलाता रहा, यानी पहले तुम्हें ईमान लाने का कितना वक्त दिया। कई मर्तबा तुझे आजमाइश में मुब्तिला करके ईमान लाने की तरफ सोचने के मौके फराहम किए, लेकिन उस वक्त तू ईमान न लाया। अब गर्क होने पर तेरे ईमान लाने को कबूल नहीं किया जा सकता। अब तो तेरे जिस्म को दरिया की मौजों से बाहर फेंक कर लोगों के लिए निशानी बनाया जाएगा। सबको पता चल जाए कि आज खुदाई का दावेदार गर्क होकर मुर्दा हालत में पड़ा है। खुदाई हकीकी तो वो हो सकता है जो हमेशा के लिए कायम और दायम है। बनी इसराइल की नाशुकरी। और हमने बनी इसराइल को दरिया पार उतारा, उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ अपने बुतों के आगे आसन मारे बैठे थे। बोले ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमें एक खुदा बना दे जैसे उनके लिए इतने खुदा हैं। आपने फरमाया तुम जरूर जाहिल लोग हो, यह हाल तो बर्बादी का है जिसमें ये लोग हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। आपने कहा क्या अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा और कोई खुदा तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें जमाने भर पर फजीलत अता की। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल के दुश्मनों को अलाक कर दिया जिनका वो मुशाहिदा कर रहे थे, उन्हें दरिया से सलामती से गुजार दिया। हक तो ये था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, लेकिन रब ताला ने उनकी जहालत का तज़किरा फरमाया कि वो कितने जाहिल और नाशुक्रे लोग थे। वो बुत परस्तों को देख कर कहने लगे हमें भी ऐसा खुदा बना दो। बनी इसराइल ने जो बुत देखे थे वो गाय की शक्ल के थे। बुत परस्ती की तरफ इनके मिलान को देख कर ही सामरी ने इन्हें बछड़े की पूजा पर लगा दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम तो जाहिल लोग हो, या तुम्हें मालूम नहीं कि इबादत तो आला दर्जे की ताजीम का नाम है, और आला दर्जे की ताजीम उसी जात की हो सकती है जिसके अजीम इनामात हों, और सबसे बड़े इनामात जिस्म की तखलीक, जिंदगी अता करना, ख्वाहिशात कुदरत अता करना, और नफा मंद अशिया का पैदा करना, और उन अशिया पर कादिर सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं, और इबादत के लायक भी उसके सिवा कोई नहीं है। औरत लाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले ही बता दिया था जब अल्लाह ताला हमें फिरौनियों से निजात देगा तो मैं तुम्हें रब ताला की एक किताब लाकर दूंगा जिसमें हराम व हलाल अमर व नहीं का जिक्र होगा। इसी वादे के मुताबिक आप अल्लाह ताला के हुक्म से औरत लेने तूर पर आए, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रात का वादा फरमाया और उसमें 10 और बढ़ाकर पूरी की। उसके रब का वादा पूरी 40 रात
बात का हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी कौम पर मेरे नायब रहना और इस्लाह करना और फसादियों की राह को दखल न देना। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि तुम तूर पर आओ, तुम्हें 40 दिनों के बाद किताब दी जाएगी। आपको हुक्म दिया गया कि तुम 30 दिन ऐसे नेक अमाल करना जो मेरे कुर्ब का जरिया बने, फिर 10 दिनों में तुम्हें किताब अता कर दी जाएगी। इसी तरह 30 दिनों का वादा 40 दिनों तक हुआ। और ये भी बयान किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िकादा के 30 रोजे रखने का हुक्म दिया गया। जब आपने 30 दिन के रोजे मुकम्मल कर लिए तो मुंह में बू नामुनासिब समझकर मिसवाक की। फरिश्तों ने कहा, हम तो तुम्हारे मुंह से कस्तूरी की खुशबू सूंघ रहे थे, लेकिन तुमने मिसवाक करके उसे जाया कर दिया। तो अल्लाह ताला ने आपको वही की, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रोजेदार के मुंह की बू मेरे नजदीक कस्तूरी से ज्यादा अच्छी है। आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ज़िलहिज्जा के 10 रोजे और रखें। इस तरह 10 दिन बढ़ाकर 40 दिन कर दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते हुए अपने बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया, जो खुद भी मुस्तकिल नबी थे। ये नयाबत नबुवत में नहीं थी बल्कि रिसालत में थी। यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम फकत नबी थे और मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए आपने उन्हें अपने मनसबे रिसालत का नायब और खलीफा बनाया, वो भी सिर्फ तूर से वापसी तक। दूसरी वजह यह कि आपका इरशाद एक मुहावरा के मुताबिक, यानी जिस तरह दो शख्सों के जिम्मे कोई काम लगाया जाए तो उनमें से एक को अगर कहीं जाना हो तो दूसरे से कहता है तुम मेरी जगह भी काम करना, यानी बहुत ज्यादा कोशिश से काम करना, ऐसे पता चले कि तुम दो आदमियों की जगह काम कर रहे हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर हमारी और आपकी दर्स के जरिए मुलाकात होगी। तब के लिए इजाजत दें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।